अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट। हिस्ट्री टेकिंग ऑफ पेशेंट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं। एक हम लोगों के पास होता है सब्जेक्टिव असेसमेंट, एक हम लोगों के पास होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। आज हम बात करेंगे सब्जेक्टिव असेसमेंट की। सब्जेक्टिव असेसमेंट में सबसे पहले आता है हम लोगों के पास नेम, मतलब पेशेंट का नेम क्या है। इसमें हमने उसे उसका नेम पूछना होता है और यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद एज आती है, एज जो भी हो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जेंडर आता है कि जेंडर मेल है या फीमेल है। यहाँ पे ऐसे करके अगर मेल है तो हमने एम लिख देना है, फीमेल है तो हमने एफ लिख देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब वो मैरिड है, ठीक है, मैरिड है या सिंगल है या फिर विडो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिखना है, पूरा कंप्लीट लिखना है। अगर मैरिड है तो मैरिड लिखना है, सिंगल है तो सिंगल, विडो है तो विडो, ठीक है। आईपी और ओपी क्या होता है? आईपी एक्चुअली हम लोग के पास होता है इन पेशेंट, ओपी होता है आउट पेशेंट। अब इन पेशेंट क्या होता है? इन पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ओके, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको इन पेशेंट कहते हैं। आउट पेशेंट किसे कहते हैं? जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते लेकिन वो एक रेगुलर चेकअप करवाने आते हैं और वो चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं आउट पेशेंट। तो हम उनसे पूछ सकते हैं इसमें कि वो इमरजेंसी में आए थे या कैसे आए थे या कितने दिनों से यहाँ पर हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है। अगर इन पेशेंट होते हैं तो यहाँ पे हम आईपी लिख देंगे, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है हम लोग के पास कि वो क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है। अगर हम लोग के पास एक फीमेल है, सपोज हम लोग के पास फीमेल थी, एज थी उनकी 50, ओके, फीमेल थी, मैरिड थी, इन पेशेंट थी, ठीक है। अब मैं आपको पूरी एक हिस्ट्री बताऊंगी, ठीक है। सपोज एक्स, उसका कोई भी नाम था उन लेडी का, ठीक है। ऑक्यूपेशन उनका क्या था कि वो एक टीचर थी, ठीक है, टीचर हो गया ऑक्यूपेशन में। हैंडेडनेस में क्या होता है? अगर हमने ये देखना है कि वो राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है, वो हम उनको कोई भी चीज़ पकड़ा के भी देख सकते हैं या फिर वैसे ही उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे अगर राइट हैंडेड है तो हमने यहाँ पे राइट हैंडेड लिख देना है, लेफ्ट हैंडेड है तो हमने लेफ्ट हैंडेड लिख देना है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे रेजिडेंसी। रेजिडेंसी का मतलब होता है कि वो किस एरिया से आई हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरिया आ जाएगा जहाँ से वो आएंगी, ठीक है। रेफर्ड बाय किसी भी डॉक्टर का नाम जिसने उनको रेफर किया, ओके। और मेडिकल डायग्नोसिस में उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है। मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, एक पेशेंट है, उनको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, ओके, वी कैन से कि फ्रोजन शोल्डर है उनको, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट की हिस्ट्री हो जाएगी अब इसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग के पास आते हैं चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स क्या होते हैं हम लोग के पास? चीफ कंप्लेंट्स होते हैं हम लोग के पास के साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। चीफ कंप्लेंट्स होते हैं हम लोग के पास जो कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वो हमें बता रहे हैं कि हमें पेन है, ठीक है, या फिर वो बताएं कि मुझे फीवर है, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा, पेन आ जाएगा, फीवर आ जाएगा, ये जो भी वो बता रही होंगी, ठीक है। उसके बाद नीड्स, ठीक है, यहाँ पे नीड्स आ जाएंगी उसकी। नीड्स में ये होता है कि पेशेंट पर्सपेक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट क्या चाहता है सबसे पहले कि उसका वो ठीक हो। सपोज अगर वो यहाँ पर वो कह रहा था कि उसको पेन है शोल्डर के अंदर, ठीक है, पेन शोल्डर के साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि उसको जो है वो रेंजेस नहीं उसकी पूरी हो रही या फिर वो ओवर हेड एक्टिविटीज़ नहीं उसकी हो रही, ठीक है, चीफ कंप्लेंट में, क्योंकि वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। तो अब इसमें पेशेंट की नीड क्या होगी, वो सबसे पहले उसने यही कहना है कि मेरा पेन ठीक हो सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पेन उसकी नीड है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ एडमिशन, जो कि हम उससे पूछ लेंगे कि वो किस डेट को, अगर वो ओपी पेशेंट, अगर वो इन पेशेंट है, ठीक है जी, तो वहाँ पे यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन आ जाएगा कि इमरजेंसी तो नहीं है, ठीक है जी, या फिर जो है वो नॉन इमरजेंसी। ऑक्यूपेशन ये दोबारा इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी उसका ऑक्यूपेशन होगा, टीचर हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर कोई अगर मेल है तो मतलब वो बिजनेस मैन है या लेबर है या जो भी है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या होती है?
जो भी वो पेशेंट चीफ कंप्लेंट्स में बताएगा ना, जैसे उसने बताया पेन है, उसने बताया फीवर है, अब हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में उसकी डिटेल पूछनी है। अगर पेन है तो वो किस ग्रेड का है, ठीक है जी, कि उसको कितने ग्रेड का है, किस टाइप का पेन है, डल है, एकिंग है, ठीक है, किस टाइम होता है, क्या उसके एग्रेवेटिंग फैक्टर हैं, क्या उसके जो है वो रिलीविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें पूछेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर उसको फीवर है तो फीवर में हम उससे ये पूछेंगे कि आपको फीवर जो है वो कितने डिग्री का हुआ था, ठीक है, आपने क्या चेक किया था और आपने कोई मेडिसिन ली थी, वो सारा कुछ इसमें लिखेंगे, मतलब उसका सारा कुछ ऑनसेट वगैरह लिखेंगे और सारा डिटेल उसकी, ये हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर होती है। चीफ कंप्लेंट और प्रेजेंट हिस्ट्री और प्रेजेंट इलनेस में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में कंसाइज करके हमने चीफ कंप्लेंट में लिखना होता है, और हिस्ट्री और प्रेजेंट इलनेस में जो होता है हम लोगों के पास वो डिटेल में लिखना होता है। ओके, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है कि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है कि उसका मेडिकल स्टेटस देखना, उसका इस डिजीज से पहले उसका हेल्थ का स्टेटस देखना, ठीक है, कि उसको पहले से कुछ कोई डिजीज वगैरह तो नहीं आ रही, सपोज उसको हाइपरटेंशन आ रही है, ठीक है, या फिर उसको क्या आ रहा है, या फिर उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, HTN लिखेंगे हम लोग हाइपरटेंशन के लिए, और हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, या फिर उसको अगर डायबिटीज मेलाइटिस भी है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये उसकी हिस्ट्री ऑफ मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक मिस्टेक करते हैं, उसमें ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई लेडी आई है तो उसके हस्बैंड की हिस्ट्री लिख देते हैं, कोई मतलब कोई मेल आया तो उसकी उनकी वाइफ की हिस्ट्री लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फैमिली हिस्ट्री में हम लोगों ने हिस्ट्री लिखनी होती है किसकी, सिबलिंग्स की, या फिर पेरेंट्स की, ठीक है, पेशेंट के पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की। ये फैमिली हिस्ट्री इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है पेशेंट को जो उनकी फैमिली में रन कर रही है। बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो कि फैमिलीज में रन करती हैं, जैसा कि वी कैन से कि डायबिटीज मेलाइटिस रन करती है, हाइपरटेंशन रन करती है, ठीक है, TB भी रन करती है, और भी बहुत सी जो है वो अल्जीमर वगैरह हैं वो भी जो है वो रन करती हैं फैमिलीज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पास था लिविंग इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट में हम लोगों के पास यही है, हमें ये देखना है कि जो हमारा पेशेंट है वो रूरल एरिया में रहता है, मतलब देहात में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, ठीक है जी, या फिर हम लोग पास सिटी में रहता है, कहाँ रहता है, ठीक है, ऐसे करके हमें यहाँ पे लिख देना। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में ये आता है कि इकोनॉमिक स्टेटस उसका, ठीक है, इकोनॉमिकली वो कितना वेल बींग है, या वो उसकी कैसी इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उसकी क्या स्टेटस है, ठीक है। इसमें हम लोग के पास आते हैं एक जी लोअर क्लास आ जाते हैं, लोअर मिडिल आ जाते हैं, मिडिल क्लास आ जाते हैं, और अपर क्लास, वो इसमें से हम जो उस कैटेगरी में वो फॉल करेंगे तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कोई एक कैटेगरी। उसके बाद हम लोग के पास आते हैं सिम्टम्स हिस्ट्री, सिम्टोमेटिक हिस्ट्री भी कहते हैं इसको। सिम्टोमेटिक हिस्ट्री में यही हमने करना है कि उसने हमें अगर पेन बताया था कि चीफ कंप्लेंट में कि उसको पेन है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि किस साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। ये साइड और साइड का आप डिफरेंस याद रखें कि साइड में हमने ये लिखना है कि राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, बैक में है, कहाँ है, ठीक है। साइड में ये हो जाएगा कि उसके शोल्डर में है, या फिर उसके कोई इंटरस्कैपुलर रीजन में है, या फिर कहाँ पर है। ओके, ऑनसेट में हम लोगों के पास क्या आता है कि उसको कितने टाइम से है, एक मंथ से है, कुछ फ्यूज वीक से है, कब से है। ओके, ड्यूरेशन में ये आ जाता है कि जब उसको पेन होता है वो कितने टाइम तक रहता है, 24 आवर्स तक रहता है, या फिर सिर्फ सुबह के टाइम उसको होता है, रात के टाइम उसको होता है, वो आ जाएगा। टाइप में ये आता है कि उसका पेन जो है वो डल है या कैसा है, एकिंग पेन है, शार्प पेन है, वो जो पेन है उसकी टाइप आ जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास सिवियरिटी आएगी। सिवियरिटी हम लोगों ने लिखनी है विजुअल एनालॉग स्केल के अकॉर्डिंग, हमने सपोज 8/10 है उसका, या 6/10 है, या 5/10 है, जो भी उसका पेन का ग्रेड होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। ओके, उसके बाद हम लोगों के पास आता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, मतलब उस सिम्टम्स की वजह से, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से उसको कोई और सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, कुछ और तो नहीं उसको इश्यू हो रहा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, वो लिखना है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग के पास आता है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, उसके बाद रिलीविंग फैक्टर्स, जो उसका पेन है वो एग्रीवेट किस तरह हो रहा है। सपोज वो कहे कि क्योंकि उसको ओवर हेड एक्टिविटीज से पेन उसको ज्यादा हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवर हेड एक्टिविटीज से उसको पेन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ओवर हेड एक्टिविटीज
50s, ठीक है। अच्छा जी, रिलीविंग फैक्टर्स कौन से देंगे कि वो फैक्टर्स जो के रिलीविंग कौन से होंगे, रेस्ट, रेस्ट से सपोज उसका पेन जो है वो ठीक हो रहा है, ये उसका रिलीविंग फैक्टर है, ठीक है। या फिर कोई भी मेडिसिन भी वो बता सकते हैं कि कोई मेरे नीम्स ली थी उससे ठीक हो गया था, या फिर कोई डिक्लोफेनिक पोटाशियम ले ली थी, आर्टिनिल वगैरह, उससे ठीक हो गया था, तो ये उसके रिलीविंग फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं वाइटल साइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हम लोग पास टेम्परेचर आ जाता है, टेम्परेचर में उसको हम थर्मामीटर से चेक करेंगे, अगर उसको फीवर होगा तो हम लिखेंगे फिब्राइल, ठीक है, और अगर फीवर फीवर नहीं होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए फिब्राइल, ए एफ, ए एफ का मतलब होता है ए फिब्राइल, फीवर होगा तो फिब्राइल, फीवर नहीं होगा तो ए फिब्राइल, ओके। ब्लड प्रेशर आ जाता है उसका, जो भी ब्लड प्रेशर होगा, सपोज अगर उसको हाइपरटेंशन के पेशेंट है तो 145 बाय उसको 90 कर दें, या जितना भी उसको चेक करके मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यूनिट आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका कैसा है, इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि उसके ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, मतलब उसको कोई ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, टैकीकार्डिया तो नहीं है, या फिर नॉर्मल है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया अगर उसका कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया, ज़्यादा होगा तो टैकीकार्डिया, ठीक है, और अगर नॉर्मल होगा तो हम यहाँ पे नॉर्मल भी लिखेंगे, या फिर यूफोनिया भी लिख सकते हैं, उसका मतलब भी ये होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों को बताता है हार्ट रेट, मतलब उसका हार्ट रेट जो नॉर्मल हार्ट रेट हम लोगों के पास होता है वो 6700 तक होता, ठीक है, ये जो भी उसका उस टाइम होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग बताते हैं रेस्पायरेटरी रेट, रेस्पायरेटरी रेट भी उसका जो हम लोग चेक करेंगे उसके एज के अकॉर्डिंग रेस्पायरेटरी रेट होता है, बच्चों का रेस्पायरेटरी रेट अलग होता है, एडल्ट्स का अलग होता है, यंग्स का अलग होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें देख लेना है उसका रेस्पायरेटरी रेट कितना है, ठीक है। ये हम लोग के पास सारा कुछ था सब्जेक्टिव असेसमेंट में, मस्क्यूलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी इवेल्यूशन फॉर्म, या फिर हम इसको कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, जो कि 7th सेमेस्टर में डीपीटी के स्टूडेंट्स हिस्ट्री टेकिंग की अपनी जो बुकलेट या मैनुअल बनाते हैं उसमें लिखते हैं सारी डिटेल। ये हम लोगों के पास हो गया सब्जेक्टिव असेसमेंट पार्ट 1 हो गया इस हिस्ट्री टेकिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन भी सीखना चाहते हैं तो मेरी न्यू वीडियो के लिए रेडी रहें। थैंक यू।